मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं 5 बजे उठ गई थी क्योंकि आज से ना बच्चों के स्कूल बस स्टार्ट हो रहे हैं। 2 वीक्स हो गया है, स्कूल बस मिला नहीं था अभी तक, आज से ही असाइन हुआ है। तो स्कूल बस के लिए ना थोड़ा जल्दी निकलना पड़ता है। वैसे तो हम 8:15, 8:20 जाते थे ड्रॉप करने के लिए, पर स्कूल बस आ जाएगी 7:50 और फर्स्ट डे है तो स्टॉप भी देखना है। तो मैंने सोचा कि वो हड़बड़ी मचाने से अच्छा है कि जल्दी उठ जाओ और आराम आराम से काम कर लो। तो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए मैंने स्पेगेटी चढ़ा दिया है और मैं तोड़ के दे देती हूँ, स्पेशली लंच बॉक्स के लिए ना, उनको खाने में ईजी रहता है। वैसे घर पर रहते तो मैं पूरी स्ट्रिंग ही रखती हूँ, वो मज़ा है ना खाने में। हम भी जब छोटे थे तो स्पेगेटी तो नहीं खाते थे, नूडल्स या फिर मैगी खाते थे, तो पूरी जो स्ट्रिंग होती थी और उसको ऐसे ऐसे करके खाना ना, श्रुक करके, वो बड़ा मज़ा आता था, है ना। छोटे पीसेस में वो मज़ा नहीं आता। तो अभी के लिए स्पेगेटी चढ़ाया है, काले चने भी लंच में बनाना है तो काले चने भी इंस्टेंट पॉट में चढ़ा दिए। और मैं कोशिश करती हूँ कि क्योंकि मैं सुबह उठती हूँ, मेरी आदत है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके खाने का काम मैं मॉर्निंग में ही निपटा लूँ। ऐसा नहीं कि घर पे हैं तो लंच बाद में बनाएंगे। तो मॉर्निंग में अगर लंच का काम निपटा हुआ रहता है ना तो पूरा दिन रहता है आपके पास काफ़ी कुछ दूसरे काम करने के लिए, नहीं तो बस किचन में ही रह जाते हो और सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो अभी मैं बस गर्म पानी पी रही हूँ, उसमें आज कुछ भी नहीं डाला, सिंपल गर्म पानी है। सारे कमेंट्स आ रहे थे कि गैस में कुकिंग का क्या एक्सपीरियंस है, बताना कितना डिफरेंस है। डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है और मैं अराउंड 10 ईयर्स के बाद लाइक फ्लेम वाले गैस में कुक कर रही हूँ। तो शुरुआत में तो बहुत सारी गलतियाँ करी मैंने, इसमें कुकिंग बहुत जल्दी हो जाता है ना, और हाई फ्लेम पे तो रखना ही नहीं चाहिए। तो काफ़ी सारा मैंने जलाया है, उंगली जलाई है। तो धीरे धीरे अभी सीख रही हूँ। जो मुझे सबसे टफ पार्ट इसका लगता है, क्लीनिंग। तो बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत होती है ऐसा मुझे लगता है, और हैवी होता है ना, इसको उठाओ और फिर नीचे अच्छे से क्लीन करो। वैसे तो आप एल्युमिनियम फॉइल बिछा के रख सकते हो, मैंने अमेज़ॉन से एक प्रोडक्ट भी मंगवाया है, लेट्स सी वो कैसा है। अगर मुझे सही लगा तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो क्लीनिंग को ईजी बनाना है और कैसे क्लीन करना चाहिए वो सब भी मैं अभी थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। जब परफेक्ट सोल्यूशन मिल जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे बेकिंग सोडा और विनेगर से मैंने एक बार ही किया था, जब गृह प्रवेश में वो दूध उबालना होता है ना, तो दूध उबाल के और फिर तो वो सूख गया, क्योंकि फिर उसके बाद बिजी हो गए थे, फ्रेंड्स थे, खाना एंड ऑल में। तो रात को मैं क्लीनिंग करने गई और इतनी थकी हुई थी ना, बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई। तो मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग क्लीन किया और वो पूरा सूख चुका था, तब मैंने बेकिंग सोडा और विनेगर यूज़ किया था, तो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया था। बट थोड़े टाइम तक ना गैस, जैसे लाइटर, इसका जो अपना इनबिल्ट लाइटर है वो नहीं वर्क कर रहा था। तो आई थिंक बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टी यही होती है ना कि वो फायर को बुझाता है, तो शायद इसलिए वो थोड़ी देर तक काम नहीं कर रहा था। फिर लाइटर से यूज़ कर रही थी तो हो रहा था, बट अराउंड आधे घंटे बाद फिर ठीक हो गया था। तो अभी मैं भी फिगर आउट कर रही हूँ, अगर आप लोगों के पास कोई जुगाड़ है क्लीनिंग का, ऐसा कुछ आप यूज़ करते हो या कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो मुझे ज़रूर बताना। एक बारी में ही सारा गार्लिक चॉप कर लिया था कि काले चने में भी यूज़ आ जाएगा। पीयूष रेडी हो गया है जल्दी जल्दी, 1 घंटे पहले रेडी होके आ गया है। बस में जाना है ना, मिस नहीं होना चाहिए बस। और बाहर क्या हो गया है, फिर से उजाला ही उजाला। कल काफ़ी क्लाउडी था, ठंडी हवा चल रही थी, पर ये किसे पता था कि सुबह उठ के उजाला ही उजाला देखने को मिलेगा। ये है हमारा स्प्रिंग दोस्तों, स्प्रिंग। वेलकम टू एडमिंटन। और बस के लिए एक्साइटेड।
बच्चों को ड्रॉप कर दिया है, बस स्टॉप थोड़ा सा दूर ज़रूर है, समर्स में तो अच्छा है कि बढ़िया सी वॉक हो जाएगी, बट आज स्नो थी, ठंड थी ना, तो थोड़ी ठंड लग रही थी। वैसे तो कार से भी ड्रॉप कर सकते थे, पर अनुज ने बोला नहीं, इनको भी पता होना चाहिए ना, हर चीज़ में कम्फर्ट क्यों देना। और जो ब्लू चेयर नीचे था ना लिविंग रूम का, वो मैं यहाँ पर लेके आ गई हूँ। अभी इसको कॉर्नर को पूरा सेट करूँगी, इनफैक्ट बेडरूम को अभी कुछ भी नहीं किया है। चीज़ें तो ले ली हैं, ये चेस्ट ऑफ ड्रॉअर है, ये पेंटिंग मुझे होम सेंस में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था और अच्छे में था, तो इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है। जो हमारा नीचे कर्टन है ना, एग्जैक्टली उससे मैचिंग है, तो हो सकता है मैं नीचे लिविंग रूम में करूँ। अभी ना मेरा फेवरेट काम यही हो गया है कि घर में जितने भी फर्नीचर्स हैं या फिर डेकोर पीसेज हैं ना, उनको मैं शिफ्ट करती रहती हूँ, कोई चीज़ यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, देखने के लिए कि कहाँ पर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो एंट्री वे का जो मैंने बोला था ना, कैबिनेट ऑर्डर किया है वेफेयर से, वो भी आ गया है। एक्चुअली बहुत पहले आ गया था, बट ये सब बिल्ड करने में ना बहुत टाइम लगता है। बट अभी ना वो वाला मैं एंट्री वे पे नहीं रखूंगी, मैं वो लिविंग रूम में रखने का सोच रही हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम फायरप्लेस लगवाने वाले हैं, तो हमने बहुत जगह से कोट ली, बहुत एक्सपेंसिव कोट मिल रहा है, 3,000-4,000, जबकि फायरप्लेस ऑलरेडी है हमारे पास, सिर्फ बॉक्स बनाने का और उसको सेट करने का और उतने से एरिया को सिर्फ पेंट करने का, इतने काम का बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जब हमने ट्यूटोरियल देखा, मैंने तो पहले भी देखा था, जब अनुज ने देखा उन्होंने बोला बहुत ईजी है, मैं कर लूँगा, बस मुझे टाइम चाहिए, तो वो शायद दिसंबर की छुट्टियों में ही होगा। तो हमने प्लान ड्रॉप कर दिया है, हम बाहर से नहीं करवाएंगे। जब अनुज को सब कुछ आता है, सारे टूल्स हैं हमारे पास, मुश्किल से $500 का खर्चा है उसके पीछे, तो इतना देने का कोई पॉइंट नहीं बनता। बट दिसंबर तक मैं लिविंग रूम को ऐसे तो छोड़ नहीं सकती, मुझे कुछ तो उसका सेटअप करना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं उसी को सेट करके और अच्छा सा पेंटिंग एंड ऑल करके लिविंग रूम को बिल्कुल चेंज करने वाली हूँ। तो वहाँ पे ये ब्लू चेयर मुझे नहीं मज़ा आ रहा था, इसलिए मैं ऊपर लेके आ गई। पूजा के टाइम हम ऊपर लेके आए ही थे, बाहर था, तो मैंने कल इसको आगे पीछे ऐसे ही करती हूँ, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है ये सब काम करने में। और ये हमारे पुराने कर्टन्स, अगर धूप है ना तो इस घर में हर एक कोने में इतनी अच्छी धूप आती है ना। और मैं चाय नीचे बैठ के पी रही थी, कोशिश यही करते हैं कि ऊपर खाना ना लेके आए, क्योंकि हमें देखेंगे तो बच्चे भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे बैठ के ना चाय पीने का बड़ा मज़ा आएगा। तो कभी कभी तो पी ही सकते हैं, कभी कभी तो पी ही सकते हैं। काले चने अच्छे से बॉयल हो गए हैं, गार्लिक भी चॉप करके रख दिया था, बस जिंजर टमाटर और मिर्ची सारा ना एक साथ ही पेस्ट बना लूँगी, और साथ साथ मैंने राइस भी चढ़ा दिया है। और एक बार ही खाना बन जाए फिर हम एंट्री वे को डेकोरेट करेंगे। ये वाला कैबिनेट तो एंट्री वे के लिए मंगवाया था, अब वो कैबिनेट शिफ्ट हो गया लिविंग रूम में, तो एंट्री वे को जो भी हमारे पास हैं चीज़ें उसी से डेकोरेट करेंगे। वैसे एक बेंच ऑलरेडी हमने बहुत पहले ही ले लिया था स्ट्रक ट्यूब से, जब सारे फर्नीचर लिए थे तभी ले लिया था, और बहुत ही अच्छी एक पेंटिंग ली है, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। पहले खाना डन कर लेते हैं, उसके बाद एंट्री वे को डेकोरेट करेंगे। ये रहा हमारा एंट्री वे, और यहाँ की जो बेस्ट चीज़ है ना वो ऑलरेडी लग चुकी है, बुद्धा जी की ये पेंटिंग। जब हम फर्स्ट टाइम स्ट्रक ट्यूब गए थे ना फर्नीचर हंटिंग के लिए, तो मैंने ये वाला कैनवस देखा और इसे देखते ही मुझे लगा ये परफेक्ट होगा हमारे एंट्री वे के लिए। इनफैक्ट मैंने सोचा ही था कि एंट्री वे के इस वॉल के लिए मे बी लोटस की पिक्चर या फिर बुद्धा जी की पिक्चर, तो डिफरेंट पिक्चर्स लगाऊंगी, इधर गैलरी वॉल बनाऊंगी, बट जब ये कैनवस दिखा ना मुझे, आई वॉज लाइक ये तो चाहिए, ये परफेक्ट है, कुछ और सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। काफ़ी बार होता है ना ऐसे डेकोर थिंग्स या फर्नीचर देख के हम सोचने लग जाते हैं ये ले या नहीं ले, बट इसमें कोई दो राय नहीं थी, तो हमने तभी ऑर्डर कर दिया था। और जब ऊपर सेक्शनल आया था उसी के साथ ये भी आ गया था, और फर्स्ट पेंटिंग जो हमारे घर पे हमारे वॉल पे चढ़ी है, लगाया है अनुज ने, वो ये वाली पेंटिंग थी। तो उन्हें यही बोला कि चलो बुद्धा जी से स्टार्ट करते हैं। ईशा के रूम में ये वाला चेस्ट ऑफ ड्रॉअर था ना मेरा, जो पहले वाला वेफेयर वाला चेस्ट ऑफ ड्रॉअर था, पर उसके रूम में लग गया है डेस्क,
तो अब इसके लिए जगह नहीं है, तो ये हम नीचे ले आए थे। अभी भी मुझे इसके लिए परफेक्ट जगह नहीं मिली है, और क्योंकि यहाँ के लिए कोई और कैबिनेट है नहीं, तो मैंने अभी के लिए इसको यहाँ पे रख दिया है कि इसकी भी नक्काशी काफी सुंदर है, तो इस जगह पे ये भी अच्छा लगेगा। और यहाँ के लिए एक कारपेट लिया है कॉस्को से, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट वाला टेक्सचर है और कलर तो बहुत अमेजिंग है। इस कलर का अगर मुझे बिग साइज में मिलता मैं लिविंग रूम के लिए लेती, बट अवेलेबल नहीं था, और यहाँ के लिए ये परफेक्ट है। एंट्री वे टेबल तो डेफिनेटली मुझे चाहिए यहाँ के लिए, इधर इस वॉल पे रखूंगी या फिर इधर वाले वॉल पे, बट वो आगे जाके हम मंगवा लेंगे। अमेजोन पे मैंने देख के भी रखा है, वो भी वुडन टेक्सचर में है, रटान का ड्रॉअर है, तो और ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, बट अभी नहीं मंगवा रही हूँ, थोड़ा रुक के। पर यहाँ के लिए हमने एक बेंच लिया है, जो रटान चेयर का सेट लिया था ना हमने लिविंग रूम के लिए, उसी के साथ काइंड ऑफ एक सेट ही था, लव सीट अवेलेबल था, वो भी डिफरेंट कलर के वेलवेट में, तो हमने लिया ये रेड कलर वाला। रेड नहीं है, ये जैसे ईंट का कलर होता है ना, एग्जैक्टली वो वाला कलर है। हमने इस बार ये जितने भी फर्नीचर्स लिया ना, उनको काफी मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। जो रटान वाले चेयर्स हमारे लिविंग रूम में है, उनको हम यहाँ पे लाके एक प्रॉपर सेट बना सकते, एक बैठक खाना बन सकता है। अब लिविंग रूम में तो वो वाला कैबिनेट आ गया है, तो उसके साथ ये जो आइकिया वाला प्लांट स्टैंड है वो मैच नहीं करेगा, तो अभी के लिए ये प्लांट स्टैंड मैं यहाँ पे रख रही हूँ एज अ एंट्री टेबल, बट ऑफ कोर्स हम यहाँ पे प्लांट्स ही रखेंगे। और एंट्री वे पे अगेन ग्रीन प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं, अभी के लिए हम इंडोर प्लांट्स रखेंगे, और जब समर्स आ जाएंगे तो हम फ्लावर्स वाले प्लांट्स भी रख सकते हैं। काफी सारी चीज मैंने लिविंग रूम से यहाँ पे यूज की है, क्योंकि लिविंग रूम डेकोर अब कम्प्लीटली चेंज होने वाला है। ये वाला भी मैंने लिविंग रूम में लगाया हुआ था, पर अभी वहां पे इसकी जरूरत नहीं है, तो इस वाले वॉल के लिए ये परफेक्ट लगेगा। मुझे लगता है इस स्पेस के लिए एक छोटा सा वाटर फाउंटेन बेस्ट रहेगा। घर के एंट्री वे पे वाटर फाउंटेन काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग देता है, जो पानी के गिरने की आवाज़ है ना, वो साउंड ही इतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग और सूदिंग होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले मेरे पास था, ननाइमो तक था, उसके बाद वो ख़राब हो गया। ये स्पेस ऑलरेडी इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल और पीसफुल लग रहा है मुझे, ऑल अराउंड प्लांट्स, गौतम बुद्धा की पेंटिंग, सो डेफिनेटली एक छोटा सा वाटर फाउंटेन इस जगह की ब्यूटी को और भी ज़्यादा एनहांस करेगा। अभी के लिए मैं ये वाले कुशन कवर्स यूज़ कर रही हूँ, बट यस, ये परफेक्ट मैचिंग नहीं है। यहाँ के लिए मैं सोच रही हूँ जो जूट के टेक्सचर होता है ना, वैसा सा कोई कुशन कवर लूं, या फिर गोल्डन में गोल्डन थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी की हुई हो, जो कि काफी मुश्किल है, यहाँ पे मिलना काफी मुश्किल है, इंडिया में तो बहुत ऑप्शंस होते हैं इस तरह के। यहाँ पे बैठे बैठे ना काफी टाइम पास हो जाता है, बाहर घर बन रहे हैं ना, तो देखते रहो घर बनते हुए। अभी के लिए इट्स नाइस। ये वाला वॉल थोड़ा खाली खाली लग रहा है, आगे जाके हम इस पर पैनलिंग करने वाले हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग वो सब कुछ कब होगा पता नहीं। तो एक तरफ पिक्चर आ गया, कैनवस आ गया, तो दूसरे तरफ के लिए मैंने इस तरह के बास्केट्स मंगवाए हैं, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है, बोहो लुक देता है, और जिस तरह का हमारा यहाँ का थीम बना है ना, उसके लिए ये परफेक्ट है। वैसे तो बहुत सारे हैं, इसको बहुत डिफरेंट वे से अरेंज कर सकते हैं, बट इस वॉल पे कैसा परफेक्ट लगेगा। एक बारी मैं फ्लोर पे जस्ट अरेंज करके देख रही हूँ, और इसके हुक्स ना, ये छोटे वाले तो ठीक है, बट ये बिग वाले के हुक्स ना गलत दिए हुए हैं, ये आगे की तरफ दिया हुआ है, बट मुझे लगाना है इस तरह से, लाइक ये हमारा फ्रंट फेस होना चाहिए, बट अगर इस हुक से जाएंगे तो ये उठा हुआ रहेगा, परफेक्टली ये फिट नहीं होगा वॉल पे। अगर इस हुक पे प्रॉपरली लगाते हैं तो फिर ऐसे लगेगा उल्टे साइड से, तो ब्लैक वाला तो फिर भी ठीक लगेगा,
बट ये वाला जो है ना ये पीछे से काफी हल्का लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ इसके पीछे ना थ्रेड टाई कर देती हूँ, उससे हैंग कर दूंगी। काफी हल्का है, बहुत इजीली हैंग हो जाएगा। ये रहा हमारा मेन डोर और ये रहा इससे अंदर का नजारा। मुझे तो ये सिंपल सा एंट्री वे डेकोर बहुत अच्छा लगा। अभी भी काफ़ी सारे एडिशंस करने हैं, बट सो फार सिंपल है, पीसफुल है एंड फुल ऑफ पॉजिटिविटी। एंट्री वे के लिए इससे बेहतर और क्या चाहिए। चलिए दोस्तों, आज के इस ब्लॉग के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा ये एंट्री वे डेकोर मुझे ज़रूर बताना, और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ wonderful memories।